हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स में मैथ्स की इक्वेशंस इंसर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक मैं नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ऐड करूंगा और इसका टाइटल मैं लिख देता हूँ इक्वेशंस इन पावर पॉइंट। और लेट से यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। बिलो इज द फर्स्ट मैथ इक्वेशन फॉर दिस स्लाइड। तो यहाँ पे इक्वेशन इंसर्ट करने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल्स टू की। तो अल्ट और इक्वल्स टू की आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इक्वेशन, या अभी के लिए मैं इसको अंडू करूंगा। दूसरा तरीका है, आपको यहाँ रिबन में इंसर्ट वाली टेप पे जाना है और आपको एंड में यहाँ इक्वेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको सिंबल इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के सिंबल्स मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई भी एक सिंबल आपको ठीक लग रहा है, आपकी स्लाइड से रिलेवेंट लग रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब एक या दो जितने भी आपको यूज करने हैं। या फिर अगर आपको इक्वेशन इंसर्ट करना है तो यहाँ से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस दिखेगी, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, बाइनोमियल थ्योरम। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो अगर आपके कंटेंट से मैच हो रही है। नहीं तो यहाँ एंड में आपको इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे नई इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। तो स्लाइड्स में जैसे ही आप इक्वेशन इंसर्ट करते हो यहाँ, तो आपको रिबन में इक्वेशन नाम की टेप दिखेगी। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है इक्वेशन। तो लेट से यहाँ पे मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्किल वाली इक्वेशन है उसी को यूज करना चाहता हूँ, या यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर आपको यूज करना है। लेट से जो एक्सपेंशन ऑफ ए सम ये इक्वेशन है, तो इस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंशन ऑफ ए सम वाली इक्वेशन आ गई। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इक्वेशन वाला, इसमें आपकी जो भी इक्वेशन है इसको आप इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इंक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आप इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लेट से मैं लिखूंगा ए प्लस, ओके ये गलत हो रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो ये सही से यहाँ डिटेक्ट हो गया। फिर मेरे को इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इंक इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या पेन से लिख सकते हो कि क्या इक्वेशन है। ओके, और फिर आपका यहाँ जो एआई का सिस्टम है वो इसको ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर आपको कुछ और इक्वेशन टाइप करना है तो आप वो भी यहाँ पे टाइप करवा सकते हो। इसके बाद लेट से मेरे को एक नई इक्वेशन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड करूंगा और अल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट यूज करूंगा। तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन टाइप कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे लेट से मैं कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, तो यहाँ इक्वेशन पे जाके मैं जो एरिया ऑफ सर्किल वाली इक्वेशन है उसको यूज करूंगा। एंड यहाँ पे आप जो अभी फॉर्मेट है वो प्रोफेशनल है, अगर आपको इसको लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करूँ। ये लीनियर फॉर्मेट आ गया और ये नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। ओके, इसको मैं दो बार अंडू करूंगा तो फिर से प्रोफेशनल फॉर्मेट में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिम्बल्स दिख रहे हैं, लेट से मेरे को इसमें कुछ और एड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन करूंगा और इनमें से कोई एक सिंबल यूज करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे इनफाइनाइट वाला साइन है वो ऐड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से जो भी आपका रिलेवेंट साइन लग रहा है उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के साइन मिलेंगे, ये बेसिक मैथ वाले साइन है। इसके अलावा ग्रीक लेटर्स चाहिए तो ग्रीक लेटर्स, या फिर और कुछ आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स चाहिए तो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट से हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो सिंबल्स है उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। लेट से यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज करूंगा और एक नई इक्वेशन इंसर्ट करूंगा, फिर से एक पॉइंट ऐड करूंगा और यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल्स टू प्रेस करना। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन में आपको ऑप्शन दिख रहे थे फ्रैक्शन स्क्रिप्ट, इनको भी आप यूज कर सकते हो। लेट से हम यहाँ पे एकदम सिंपल फ्रैक्शन वाला यूज करेंगे, इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करके मैं लिखता हूँ पी डिवाइडेड बाई क्यू और उसके बाद लिखूंगा इक्वल्स टू। और यहाँ पे अगर आपको एक्सपोनेंशियल वाला कुछ स्क्रिप्ट यूज करना है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेट से यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसको यूज करूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा W, यहाँ पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रेडिकल यूज करना है तो इसमें देखो ये कुछ स्क्वेयर रूट वगैरह यूज कर सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पे ट्राई करके बताता हूँ। प्लस यहाँ पे हम लेट से कुछ ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे एक्स और इस पर मैं लिखूंगा 3। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन था रेडिकल उसको यूज कर सकते हो।
कुछ इंटीग्रेशन टाइप दिखाना है तो इन सिंबल्स को यूज कर लो, या फिर आपको कुछ समेशंस या प्रोडक्ट टाइप दिखाना है तो ये सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ब्रैकेट के ऑप्शंस दिखेंगे, तो ये ब्रैकेट है वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा ये सिंपल फंक्शंस है। यहाँ पे कुछ एक्सेंट वगैरह यूज करना है तो वो यूज कर लो। अच्छा हम यहाँ पे एक्सेंट यूज करेंगे प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे ये वाला एक्सेंट यूज करूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ वाई। ओके, तो इस प्रकार से आप बेसिकली अपनी इक्वेशन में एक्सेंट या यहाँ से लिमिट लोग ये सब या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्सेस है उनके फॉर्मेट मिल रहे हैं, जैसे एम्प्टी मैट्रिक्स, डॉट, आइडेंटिफाई मैट्रिक्सेस। तो बेसिकली पावर पॉइंट में इक्वेशंस इंसर्ट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप यहाँ पे हैंड राइट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इक्वेशन को, ये ऑटोमेटिकली इसको टाइप करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा आप मैन्युअली यहाँ पे वन बाई वन जो ये ऑप्शन है, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, इनको भी चेक कर सकते हो। तो पावर पॉइंट में इक्वेशन वाला ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई मैथमेटिक या फिजिक्स के टॉपिक पे पीपीटीज बना रहे हो तब ये इक्वेशन वाली टैब में जो ऑप्शन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।